औरत ने उठाया, मर्द मर्द, हाँ अगल बगल देख लो सब लोग, सब मर्द उठा दिए। दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तेरे महबूब का नाम जिन जिन लोगों ने दिल से लिया है उन सबों को मदीने शरीफ बुला ले। आयते करीमा जो मैं तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है कमा यईसल कुफारु मिन असहाबिल कुबूर, काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। आज मेरी तकरीर का ये उनवान है। जहाँ तक वक्त हाथ मेरे लगता है, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिलो दिमाग में मैं अपनी बात को उतारूं। अल्लाह का एहसान है, परवरदिगार आलम ने इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेटर, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हसीनो जमील, सबसे कुंदन, सबसे ताकतवर अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, मनुष्य से बेहतर दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर करने के फौरन बाद मैं झारखंड के अगले हिस्से रांची के लिए रवाना हो जाऊंगा, और कल जिम्मेदार उलमाए किराम मुफ्ती आलम और दिगर से सवाल करोगे कि अलाउद्दीन अहमद कादरी को धनबाद से आपने बुलाया था और उन्होंने खुतबे के बाद कहा कि सारी दुनिया में सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे हसीनो जमील, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम आदमी, इंसान है, मगर उन्होंने कोई दलील नहीं दिया। तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लकद खलक इंसान फी अहसनी तकवीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। वाह 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 वाह, अल्लाह फरमाता मैंने अच्छी सूरत देकर इंसान को पैदा फरमाया है। एक मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है, 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेटर इंसान, सबसे बेहतर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, सबसे कुंदन इंसान, मगर इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने चार चीजें पैदा फरमाई है, जिसे अरबी मकूले में उसे अनासिर अरबा कहा जाता है, आग, पानी, हवा और मिट्टी। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मिट्टी ने कहा, इंसान बड़ा काबिल बनता है तू। अरे हवा है हवा, हौले हौले धीरे धीरे सभा की सूरत में, पवन की सूरत में चलेंगे ना, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, मगर अपना रूप हम जब बदल देंगे और हवा से और सभा से तूफान बन के आएंगे, जो चुटकी में परानपुर से डायरेक्ट सुल्तानपुर। आप ईमानदारी से बोलिए कि अगर यहाँ तूफान अभी आ जाए तो ये पंडाल रहेगा? अरे बोलो ना यार, माइक रहेगा, माइक वाला रहेगा, सब कहाँ नजर आएगा? हवा चलेगी तो मजा, और हवा अपना रूप बदल दे, हवा से तूफान बन जाए तो आदमी को उड़ा दे। आदमी ने कहा हवा, अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दिया है, इंसानों को भी ताकत दिया है, मगर दोनों के ताकत में फर्क है। मेरा नारा होगा, हाँ, लगा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमींदार से चुआर, 5,000 लोगों, 95,000 बाकी। वाह, 5,000 लोगों, 1,00,000 बाकी, सामने जलसा आस्ते आस्ते पेट। अब समझो, ये नगद 5,000 वाला है, लीजिए चाचा। आप क्या बोले, उधुआ? उधुआ बोलिए ना, आप यही रहिए, पूछते रहेंगे। उधुआ के मुसलमानों, मेरी कीमत समझो, अभी हम तकरीर शुरू किए, 1,00,000 आया गया मुफ्ती साहब। अरे आप लोग बात नहीं समझते हैं, हम पहले ही आप लोग को कह रहे हैं हमारे हवाले कीजिए, लेकिन आप बात नहीं समझ रहे। हवा से इंसान ने कहा हवा, अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दिया है, हमें भी ताकत दिया है, मगर हमारे तेरे में बड़ा फर्क है। तेरे अंदर सिर्फ ताकत है ताकत, और इंसान को अल्लाह ने ताकत के साथ साथ अक्ले सलीम अता फरमाया है। ए हवा, ए पानी, ए हवा उड़ा देगी तू तूफान बन के, अगर इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेगा ना, हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा ना, अपने माइंड को यूज करेगा ना। तो सुनो ए हवा, अगर गरीबों के चक्कर में तू फंस जाएगी ना, तो हर
गरीब आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर भर देगा और रास्ता खराब क्या ना नाजपुर नाजघाट हाँ हुदहुदवा से नाजघाट ले जाएगा। ए हवा अगर तुम पढ़े अगर मालदारों के चक्कर में फंस गई ना तो टू व्हीलर के अंदर फोर व्हीलर के अंदर वो भर देगा और पूरा साहेबगंज चला देगा। ए हवा तू खादिम है हम मखदूम है। अरे हवा अगर तू पढ़े लिखे से टकरा जाएगी ना तो अपने माइंड को इस्तेमाल करेगा इंसान अपने हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा और तुम्हें सिलेंडर के अंदर भर देगा। अरे भाई अरे तकरीर सुनिए भाई। पांच हजार सियासत हुआ भाई। अरे आप मौलाना है ना हजरत आप देखें या ना देखें हम देखें ना देखें कमेटी वाला देखे ना देखे अरे जिस अल्लाह के नबी के घर में दे रहे हैं वो मुस्तफा देख रहे हैं खुदा। हमारा काम है लेना आपका काम है देना और जजा और सजा का मालिक हम नहीं है रब। इसलिए मुखिया हो चाहे कोई देते रहिए अपना बाप का घर नहीं वो रसूल पाक का घर है। मदरसा से बेहतर कोई जगह है? ये जितने आलिम देख रहे हैं सब मदरसा से हाफिज मदरसा से कारी मदरसा से मौलाना मदरसा से खतीब चतुर्वेदी मदरसा से हाजी सार मदरसा से नकीब मदरसा से मुफ्ती मदरसा से तो मक्कम चंदा ले जगत कहाँ दे क्लियर कर दे भाई। आप देते रहिए आप यहाँ दीजिएगा मदीने वाले मुस्तफा वहां से देंगे। आपका काम है देना नबी का काम है वहां से भेजना। ये मत सोचिए नाम मिला रहे आप यहाँ नाम का दिए हम सुने ना सुने फरिश्ते सुन रहे है कि नहीं। तड़प कर बोल दो या रसूल अल्लाह अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर जितने लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। एक मदीने की दुआ एक बगदाद की दुआ बात मानते रहिएगा तो हम अच्छी अच्छी दुआ देते रहेंगे। आगने का सुनिए 10 मिनट मैंने आपसे वक्त मांगा था सिर्फ आगने का इंसान हम आग है आग हौले हौले धीरे धीरे अगर जलेंगे ना तो तेरे कच्चे कच्चे अनाजों को खाने के लायक बना देंगे मगर चिंगारी से अगर शोला बन जाएंगे ना तो जलाकर राख कर देंगे। आदमी ने कहा ए आग तेरा काम है जलाना मगर हम आदमी है इंसान है हिकमत अमली का इस्तेमाल करेंगे अपने माइंड को यूज करेंगे और एक्शन छोटी छोटी माचिस की तिल्ली बनाएंगे और माचिस की डिबिया में बंद कर देंगे और अपनी जेब में रखेंगे और पूरा पूरा उधवा लेके घूमेंगे। ए आग तेरा काम है जलाना तू जला नहीं सकती तू हाकिम महकूम है मैं हाकिम हूँ मैं कहूँगा तब जलाएगी जहाँ कहूँगा वहाँ। अब बच गई दो चीज मिट्टी और पानी आग तो क्लियर किया भी इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुनिए मिट्टी और अरे बोलो ना भाई मिट्टी और पानी पानी ने कहा इंसान तेरे कच्चे कच्चे दाने जो है ना खेत में तू बोता है गेहूं के शक्ल में धान के शक्ल में और बीज के शक्ल में हम धीरे धीरे परोसते हैं ना तो उसे जमीन से बाहर निकालते हैं और खाने के लायक बनाते हैं अगर हम परसना बंद कर देंगे ना तो तुम्हें भूखे मार देंगे। आए सुनो अगर धीरे बरसेंगे तो अनाज को ऊपर करके खाने के लायक बनाएंगे और अगर जोर से पानी से अगर तूफान अगर हम अगर सैलाब बन के आएंगे ना तो बहा देंगे। इधर सैलाब ज्यादा आता है ना कैसा लगता है रास्ता बंद घर खत्म बिल्डिंग ढप झोपड़ी खत्म जब सैलाब आता है सब खत्म हो जाता है पूरा इलाका लमसम लेकिन इंसान ने कहा पानी हम आदमी
नहीं है आदमी, तुम्हें भी पानी पानी कर देंगे। अगर हम अपना दिमाग लगा देंगे ना तो ये पानी सुन, मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा, बड़ी गर्मी भीषण की होती है। और तुम सुनो, तुमको हम सब क्या करेंगे, आदमी मिलकर बोतल में भर देंगे और ढक्कन बंद करेंगे और फ्रिज में डाल देंगे। तू हमको बहा देगा? और हम आदमी अकल रखते हैं, हम जब चाहेंगे फ्रिज में डालेंगे ठंडा। और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि गर्म पानी से दवा खाना है, घर जाएंगे मैडम को कहेंगे चूल्हा जला पतीली चढ़ा, पानी डालो, पानी से बोलो गर्म होगा, हम पीने वाले है पानी, हम आदमी है, जब चाहेंगे तुम्हें ठंडा कर देंगे, जब चाहेंगे तुम्हें गर्म। कौन चीज बच गई? आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलना। कौन चीज, कौन चीज बच गई? अरे बोलो भाई, मिट्टी। और ये चौथी, और चौथी पर चौथी, हाजी साहब, चौथी पर चौथी, माहौल खराब है वरना जुमला बहुत कड़ा बोलता हूँ। चौथी पर चौथी मिट्टी ने कहा, सुनाब है दुनिया वालों, हम मिट्टी है, मिट्टी इसी से हम अनाज पैदा करते हैं, हम गेहूं हम पैदा करते हैं, धान हम पैदा करते हैं, सब्जी हम पैदा करते हैं, मूली हम पैदा करते हैं, बैंगन हम पैदा करते हैं, गोभी हम पैदा करते हैं, बंधा गोभी हम पैदा करते हैं, टमाटर हम पैदा करते हैं, अखरोट बादाम हम पैदा करते हैं, किशमिश काजू हम पैदा करते हैं। अगर पैदा करना बंद कर देंगे तो सारे इंसानों को भूखे मार देंगे। बोलिए सही या गलत? अरे बोलो सही या गलत? अगर जमीन से उपज नहीं होगा तो हम सब भूखे होंगे कि नहीं? लेकिन अब आदमी का राहुल से क्या खैर? आदमी का जवाब सुनिए, उलमाए किराम दुआ दे दीजिएगा। आदमी ने जो जवाब दिया, काए मिट्टी हर जगह की तू अनुकूल नहीं है, हर जगह की तू बेटर बेहतर नहीं है। अगर यहाँ साहेबगंज के इलाके में, उधवा उधवा के इलाके में हम अगर केला लगा दें तो फलेगा? अरे बोलो ना भाई। और अगर सेब लगा दें तब, अंगूर अगर बो दे तब, बोलो ना भाई, अखरोट बादाम लगा दे तब, यहाँ की जमीन अनुकूल नहीं उसके लिए। यहाँ क्या होगा, क्या होगा, लहसुन क्या होगा, क्या होगा, सरसों, यही ना होगा भाई। अगर सरसों को कश्मीर में लगा दे तब नहीं होगा भाई। अगर प्याज को अफगान में लगा दे तब नहीं होगा। हर जगह की जमीन अनुकूल है, जिसके लायक वो वही होता है। अब सुनो, जमीन ने दिया हमको तो क्या दिया, अगर वो अगर अफगान की है तो अखरोट बादाम दिया, अगर वो कश्मीर की है तो सेब दिया, अगर वो नासिक की है तो अंगूर दिया, अगर वो नागपुर की है तो संतरा दिया, अगर वो पंजाब की है तो गेहूं दिया, अगर वो बंगाल की है तो धान दिया, अगर भुसावल की है तो केला दिया। लेकिन आओ, मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो केला नहीं दिया, अंगूर नहीं दिया, गंदुम खान नहीं दिया, फल और फ्रूट नहीं दिया, बल्कि मेरी मिट्टी की खेतियों की नेकियों ने जब दिया तो इसे हिंदुस्तान में, मुबारकपुर में इल्म का हाफिज मिल्ल दिया। तकबीर, नारे इसे हिंदुस्तान में, अगर उड़ीसा में दिया है तो मुजाहिदे मिल्लत दिया, अगर इमाम दिया, अगर मुहद्दिस दिया तो मुहद्दिसे आजम दिया, अगर मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आजम दिया, अगर अगर इमाम दिया तो इमाम आजम दिया, और जब देने पर आया है तो इमामत पर हजरत नहीं दिया, हम सबको बरेली का आला हजरत दिया। कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे पास ज्यादा आज वक्त नहीं, वरना तफसीली गुफ्तगू में करता। अब उलमा की दुआ लेकर मैं जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ कि मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है, एहसान है उस रब का।
जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि लिखता है, अवतार निरंतर पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम परमन शवानम लमलयम पश्चतम तपस्य महावीरम परारूपम परादीपम सोमवती विष्णु स्वरूपम। माइक वाला कहां गया? आवाज बढ़ाओ। वाल्मीकि ने कहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं, वो मोहल्ली में कायनात आने वाले। कहां? नया रतंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत आदम अलैहि सलाम आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत ईसा आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। कमोबेश 124,000 अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। मगर उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहि सलाम आए, तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, ए यूसुफ अलैहि सलाम, जो आदम ने खबर दी है, जो मूसा ने खबर दी है, जो इब्राहिम ने खबर दी है, जो ज़करिया और यहया ने खबर दी है, जो दीगर अंबिया ने खबर दी है, ए यूसुफ अलैहि सलाम, वो आखिरी नबी दयालु आप ही है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम फरमाते हैं, ए मिस्र वालों, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, आप लोगों के तरह मिस्र वाले बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जैसे ये लोग क्या नाम है, उधुआ, जैसे उधुआ वाला सब पढ़ा लिखा है। जलसा इतना बड़ा किया, 3 घंटा जो है, फिर नाम कह लेते, काम भी हो गया, नाम भी हो गया, और नाम ऐसा कि किसी बाप का घर नहीं समरा, समर गया मदीने वाले रसूल पाक का घर समर। वारे उधवा, उधवा वालों इतना होशियार, आप लोगों की तरह मिस्र वाला भी बड़ा होशियार चालाक था। यूसुफ अलैहि सलाम से कहा, ए यूसुफ अलैहि सलाम, आप भी आखिरी नबी नहीं का न, आप भी खबर लेकर आए, बोला आप भी संदेश लेकर आए, कहा आप भी मुखबिर है, कहा जब खबर लाने वाला, संदेश लाने वाला, मुखबिर लाने वाला इतना हसीना जमील है, आखिरी नबी आएगा वो कितना हसीना जमील होगा। हाय हाय वाह 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 वाह, आपका नाम है मुसलमान, आप हो सही बे ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। उठाओ तुम अपना कुरान, बारवा पारा सूरह यूसुफ। अल्लाह ताला दलील देता है कि हजरत जुलेखा से किसी ने पूछा, है जुलेखा, सुना है आप इश्क करती है गुलाम से? हजरत जुलेखा ने फरमाया, वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। अरे ये खिताबत का जुमला है मियां, यहाँ आग लगनी चाहिए आग, मगर उधुआ में धुआं भी नहीं उठा, कैसे हम तकरीर करेंगे? परानपुर ठीक है, पहले बोलना चाहिए परानपुर वालों का कि आप भी आखिरी नबी ना है, खबर कहाँ का? जब आप ऐसे हैं तो आखिरी नबी होंगे, वो कैसे होंगे? हजरत जुलेखा से कहा कि आप इश्क करते गुलाम से, ना वो इमाम गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है, कर जरा दिखा दो ना, वो हुस्न का इमाम कैसा है? अरे कुरान पाक में दर्ज है 12वें पारे सूरह यूसुफ में, अल्लाह फरमाता है मिस्र की औरतों, ऐ मिस्र वालों, हुस्न यूसुफ देखना चाहते हो, जलवे यूसुफ देखना चाहते हो, तो एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो, और चाकू से फल को काटते रहना, जलवे यूसुफ को देखते रहना, हुस्न यूसुफ को देखते रहना। तारीख कब है?
इतिहास साक्षी है कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है, मिस्र की औरतें सेब काट रही हैं, फल काट रही हैं, मगर फल काटते काटते उसने यूसुफ में इस तरह गुम हो गई, मैं हो गई कि फल के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली। जब निगाह यूसुफ पड़ी, हजरत यूसुफ ने फरमाया, ए मिस्र की औरतों, अरे यूसुफ के हुस्न के हुस्न को देखकर अपनी अंगुलियां काट डाले, एहसास ना हुआ, अरे इमामुल अंबिया वो होगा, मुख्तारे कायनात वो होगा, मुअल्लिमे कायनात वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे, मगर एहसास नहीं होगा।